हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज। हेलो दोस्तों, आज हम क्रिसमस स्पेशल केक बनाएंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल में हमने ये पिसी हुई चीनी ली है, इसमें हम बटर डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमें एक क्रीमी टेक्सचर नहीं मिल जाता। तो ये देखिए, ये चीनी और बटर बिल्कुल अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब हम इसमें मैदा डालेंगे। जितनी क्वांटिटी में हमने पाउडर शुगर लिया था, उतनी ही क्वांटिटी में हमने मैदा भी लिया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा छोटा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध भी हमने उतना ही लिया है जितना हमने चीनी और मैदा लिया था। ये दूध हमने उबाल के लिया है। इसे हम बिल्कुल अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छे से विस्क कर लिया है। अब हम इसमें कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जिसमें हमने किशमिश और काजू लिया है। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए हम इसमें एक चम्मच वैनिला एसेंस डालेंगे। एक बार फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना नहीं भी। तो ये केक का बैटर हमारा तैयार है। तो ट्रे के ही नाप का हमने बटर पेपर काट लिया है। अब हम इसमें बटर पेपर को लगा देंगे और ऊपर से थोड़ा सा बटर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिर्फ बटर भी लगा सकते हैं। अब हम इसमें केक के बैटर को डाल देंगे। एक दो बार हम इसे अच्छे से डैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना बने। हमने थोड़े से काजू और किशमिश लिए हैं डेकोरेशन के लिए, हम इसे ऊपर से डाल देंगे। कढ़ाई में हमने स्टैंड को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ट्रे को रख देंगे। फिर हम इसे लिड से कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। तो 35 मिनट बाद ये देखिए, ये केक हमारा बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। ये हमारी नाइफ भी बिल्कुल क्लीन निकल आई है। तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही फ्लफी हमारा केक बनके तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से केक अपने घर पे बना सकते हैं। मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये केक हमारा कितना फ्लफी बनके तैयार हुआ है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट केक हमारा बनके तैयार हुआ है। तो ऐसी ही ढेरों आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।
और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।